खुशखबरी। हाँ अम्मी, राजी हो गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र। चलो फटाफट जल्दी से तैयारी करो। और जी मेरी तैयारी तो मुकम्मल ही है। ओ खुदा के लिए मैडम, थोड़ा सा हट के बैठिए, हमारे सारे सूट की इस्त्री खराब हो गई है। अरे तो ये देख के कब बैठती है, तो धड़ से बैठ जाती है, नीचे कुछ भी आ जाए इनके। मेरी जिल्द तो दर्द हो रही है। वो अलग बात है, तुमने पाउडर लगाया हुआ। आप किसी अच्छे से दवाखाने से इलाज कराएं अपना। भाई मैमूना, हमें तो आप पहचान लीजिए, हम आपकी बड़ी जेठानी हैं। अच्छा भाभी चलते। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप आई थी तो खाना खा कर ही जाती। अरे भाभी खाने का क्या है, बच्ची ने इतना इंतजाम किया हुआ था, फिर इंशाल्लाह कभी। आंटी पहली दफा आई और कुछ खा के नहीं जा रही, बहुत बुरा लग रहा है। अरे खदीजा के डैडी और भाई घर पर हैं, खाना बना कर आए थे, उन्हीं के साथ जाकर खाएंगे, फिर इंशाल्लाह सही। अच्छा जी खुदा हाफिज़, बड़ी प्यारी बच्ची है। चलो भाई चलो, मुझे अच्छा पूछे भाई हाल अहवाल। अमित लोग कितने अच्छे थे ना भाई, बाकी दिल खुश हो गया। अरे इशरत मुबारक हो, रिश्ता पक्का कराएं। भाई सच्ची बताऊं, लड़की तो इतनी प्यारी थी कि मुझे तो देखते ही पसंद आ गई। भाई सच्ची बात है अम्मी, इससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती थी जफरी के लिए। लो यानी भाभी ये क्या बात हुई, इसका मतलब कि जो हमें मिली है तो वो अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, उनकी उनकी मुराद हमारी बीवियों की भी है यार। हाँ जी, तो फिर इसकी शुरुआत तो कार के बड़े से ही होनी चाहिए। देखो अगर बड़े की बात हो रही फिर तो घर में सबसे बड़े डैडी हैं, तो फिर डैडी से ही बात करनी शुरू कर दे। बाप से मजाक करता है। अरे भाई मजाक कहाँ कर रहा है, सही बात तो कर रहा है। भाई न्यूज़ ये है कि रिश्ता पक्का होने की खुशी में अक्का भाई ने सबको चरखा खिलाने की बात की है। बात सुनो, इतनी देर नहीं हुई, अभी बना लेंगे खाना, कोई ऐसी बात नहीं, खाना घर में बनेगा। अरे भाई लड़कियां अभी आई हैं, क्या तुम कुछ कह रहे थे? अरे लड़कियां अभी आई हैं, आने दो चरखा। थक गए भाई। अच्छा है चरखा भी खाएंगे, मजा आएगा। हाँ ये अच्छा किया अपा ने खाना बाहर से मंगवा लिया। अम्मी आपको मेमना कैसी लगी? भाई बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। प्यारी है ना। हाँ पर ये पागल चची कौन थी? अरे उनके एक ही दो चचा है, उनकी बीवी थी। जहर लग रही थी मुझे उनकी शक्ल भी और उनकी आदत भी, बिला वजह मुझे पीला किए दे रही थी। आपने देखा नहीं था, आंटी बेचारी खुद शर्मिंदा हो रही थी। इस किस्म के लोगों को तो ना घर से बाहर रखना चाहिए, बुलाना ही नहीं चाहिए, घर वाले भी शर्मिंदा, आने वाले भी शर्मिंदा। आपने देखा था ऐनी भाभी को उन्होंने मुन्नी बना दिया था। वो तो जो होना हो, ऐनी खुश हो गई होंगी मुन्नी कहने पे, नन्नी मुन्नी। ओहो अच्छा चले, अब आप मुझे दाद नहीं देंगी? क्या कर, अब शहर में इश्तेहार लगवा दूं, पोस्टर छपवा दूं कि खदीजा ने लड़की दिखा दी, अब बस कुछ नहीं हो सकता जिंदगी। बस पान दान दो, बड़ी देर से छाली लगी काटी। हाँ तो भाई कैसी रही तकरीब? बहुत अच्छी। अच्छा चाहिए बताओ कि मैमूना पसंद आ गई अम्मी को? अरे मैमूना को देख के तो अम्मी खिल उठी। अच्छा अच्छा बताओ ये ऐनी भाभी और मैडम का क्या रिस्पांस? अरे अम्मी की पसंद के आगे किसी के रिस्पांस की क्या अहमियत, फिर भी कुछ तो होगा। ऐनी भाभी तो खुशी थी, बाकी अब अल्लाह जानता है, लेकिन हाँ मैडम को मैमूना बहुत पसंद आई। अच्छा अच्छा कहीं मैडम ने अपनी वहाँ अंग्रेजी ATH अंग्रेजी तो नहीं झाड़ दी? मैडम को समझा बुझा के तो इतना लेके गए थे, लेकिन मैडम कहाँ रुकने वाली हैं, बोल दी। लोग कहीं आ सकते नहीं। अरे हंसने वाली बात करेंगे तो हंसेंगे, आप देख लीजिएगा उनके जाने के बाद उन्होंने मैडम का खूब मजाक उड़ाया होगा। हाय। और हाँ वहां पर ना मैमूना की चची अम्मी भी आई हुई थी, उन्होंने वो तमाशे किए कि बस। अम्मी को कहती है कि आप ना चार मगज खाया करें। अच्छा वो तो मेरे ख्याल से वो दिमाग तेज करने के लिए होता है। अम्मी ने क्या कहा? Exactly. अम्मी ने क्या कहना था, अम्मी बेचारी खामोश हो गई, मौका ही ऐसा था। फिर क्या कहने लगी, आपका चेहरा बहुत जर्द लग रहा है, आप किसी हकीम को क्यों नहीं दिखाती? ये क्या फिल्म थी भाई? और सुने ऐनी भाभी को क्या कह रही थी? मुन्नी मुन्नी
वैसे ही तुम रिश्ता लेने गई थी या किसी कॉमेडी शो में गई थी? अरे ना पूछे, मैं और मुमानी जान तो बहुत परेशान हो गए कि अगर अम्मी को कोई बात बुरी लग गई और अम्मी का पारा हाई हो गया फिर तो रिश्ते को ना ही समझे। लेकिन मीना को देखने के बाद तो अम्मी बहुत भूल गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। शादी की तारीख पक्की की या नहीं या बात ही करते रहे? अरे ये कैसी बात की आपने, रिश्ते की डेट तो आप लोग पक्के करके आएंगे ना, अभी तो आप हमारे मामू से मिले ही कहां हैं। अरे मैं तो मिल चुका हूँ, हाँ बाकी घर वाले नहीं मिले। आप मिल लिए ना, बस यही काफी है। अरे चिराग लेके ढूंढेंगे तो हम जैसा नहीं मिलेगा। अरे दिन में ढूंढूंगी ना तो आपसे बहुत बेहतर मिल जाएंगे, ये तो पागल लोग होते हैं जो रात में चिराग लेके ढूंढते हैं। मजा तो रात में, दिन में क्या मजा। अरे कहाँ रह गई थी? तहरीन की लिपस्टिक वापस करने गए थे। हाँ तो इतनी जल्दी क्या थी? हमें नहीं पसंद ये मांगना तांगना, पहली दफा ही कुछ लिया था हमने। इसमें बुराई क्या है, एक ही घर में रहते हैं, चलता है। हमें नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अच्छा खैर छोड़े, ये बताएं वो आपने रिपोर्ट नहीं दी? हाँ लड़की तो अच्छी है। और वो घर वाले? भाई बाजार तो सब अच्छे लगते हैं, शादी के बाद ही निकलते हैं पर पुरजे तो। वैसे आप फिक्र मत करें, यहाँ तो बड़े बड़ों के पर काट दिए गए हैं। मसलन? अब ऐसे बच्चे भी नहीं हैं, आप सब आपके सामने। सही कह रही है, सब सामने। कभी कभी तो आप बिल्कुल अम्मी लगते हैं ईमान से। अरे भाई खतीजा, तुमको पता है तुम्हारी अम्मी तो कुछ बताती नहीं, तुम बताओ कल कैसा रहा? बहुत मजा आया, अगर आप भी चलते ना तो बहुत अच्छा लगता। अरे भाई तुमको अपनी अम्मी के फार्मूलों का पता ही है, उनसे कौन बोले। ये तो है। अच्छा ये देखें, बताएं मेमुना कैसी लगी आपको? अरे माशाल्लाह प्यारी है, वैसे छोटी उम्र की है। हाँ तो हमारा जफरी कौन सा बड़ा है? हाँ हमारा जफरी बड़ा तो नहीं है लेकिन देखने में बड़ा लगता। अच्छा कल का तो बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं डैडी, बस रास्ते में सब लोगों ने मिठाई ली, गजरे वगैरह लिए और गुगले ने हमें उनके दरवाजे पे छोड़ दिया था, कहे रस्म रस्म की और बस। अरे ये तो शुक्र है अल्लाह का, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। हाँ हाँ लेकिन आपको मैं एक बात बताना भूल गई, वहाँ पे एक चची अम्मी थी, वो अम्मी को हकीम के पास जाने का मशवरा दे रही थी और एनी भाभी को उन्होंने मुन्नी बना दिया। अच्छा हकीम का तो किस्सा ही नहीं बताया मुझे, और एनी मुन्नी के किस्से मजे ले लेकर सुनाती रही। बस डैडी दुआ करें सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए, मेरे भाई की शादी हो जाए। अरे क्यों नहीं, इंशाल्लाह तुम देखना बड़ी धूमधाम से शादी होगी। लीजिए चची अम्मी आ गई। अरे आओ एनी। अरे सुना है कल तुम्हारा नया नाम पड़ गया? अरे डैडी क्या बताए आपको, वहाँ वो आई नहीं थी कोई, उनकी चची अम्मी मुन्नी क्या क्या, हमारा तो सर ही दुखा दिया। आपने अम्मी वाला किस्सा बताया? अरे हाँ बताया, मैं तो हैरान ये हूँ कि तुम्हारी अम्मी ने बर्दाश्त कैसे किया। भाई लड़की का रिश्ता लेने जब जाते हैं ना तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ भाई सही कह रही, पहले लड़की वाले लड़के वालों को कितने चक्कर लगवाते थे, बड़ी मुश्किल से हाँ करते थे, हैं भाई नाक रगड़वाते थे उनका, ये देखो अभी तक मेरे नाक पे सूजन है। अरे डैडी आप क्यों नाक रगड़ते थे भला, साचा करते थे? अरे भाई जब हमारी अम्मी जाती थी ना तो हमारी सास बड़े नखरों से हाँ हूँ करके ना उनको टाल देती थी, बड़ी मुश्किल से हाँ किए उन्होंने, और जो अम्मी वहाँ नाक रगड़ती थी वो हमें घर पे नाक रगड़नी पड़ती थी। आप में से किसी ने भी फोन नहीं किया मसूद को कि हम जफरी का रिश्ता लेने जा रहे हैं? तुमने बता दिया होगा ना। मेरे बताने से क्या होता है, इस घर में से किसी ने भी उनको नहीं बताया, बुरा मान गए हम। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। भाई बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हैं जी, पर मैं तो चिपस काट रही हूँ शोजा पुत्र के लिए। ओहो मैं रिश्ते के लिए पापड़ बेलने की बात कर रही हूँ। लेकिन खतीजा पाजी रिश्ते में केड़े पापड़ आ गए, ते ममूना बाजी के कार पे भी कल हमने पापड़ नहीं खाए। अल्लाह वैसे तुम्हारी अकल में ना भूसा भरा हुआ है भाई, इतने अच्छे जो रिश्ते होते हैं ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं।
बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ जी, ये तो खैर है। जी मसूद। जी मैंने सोचा मैं खुद ही फोन करके आपसे बात कर लूं, वरना आप तो वहां जाके बिल्कुल भूल ही जाती हैं ना सबको। जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, मैंने 2-3 दफा कॉल की थी, आपने कॉल ही रिसीव नहीं की। सिर्फ एक बार। अच्छा सुने, हम लोगों ने जफरी की बात तय कर दी है। मुबारक हो। बाय द वे कहां बात पक्की की है? वो तहरीन भाभी है ना, उनकी मामूजा बहन है। हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? जब मुज्जी भाई की तहरीम से शादी हुई तो आपकी अम्मी ने बड़ी बातें बनाई थी कि भाई नीच खानदान है और हमारे लड़के को फंसा लिया। खैर आप ऐसा कीजिएगा कि मेरी अम्मी को मुबारकबाद का फोन कर लीजिएगा। क्या मैं फोन करके मुबारकबाद दूं? वो किस खुशी में? मुझे किसी ने इत्तला देने की कोशिश की। ओहो, मैंने तो आपको बता दिया ना, आप वहाँ मौजूद थी तो शरीक हो गई, वरना आपको भी ना पूछते। और आपके कहने से होता क्या है? हाँ भाई, मसूद से बात हो गई? जी हो गई। तो परेशान क्यों लग रही है, ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? अम्मी आप लोगों को रिश्ते बरतना नहीं आते। क्या हो गया भाई, अब क्या हुआ? आप में से किसी ने भी फोन नहीं किया मसूद को कि हम जफरी का रिश्ता लेने जा रहे हैं। तुमने बता दिया होगा ना? मेरे बताने से क्या होता है, इस घर में से किसी ने भी उनको नहीं बताया, बुरा मान गए वो। क्या कह दिया भाई? जो कहना था उन्होंने कह दिया, अब आप देखिएगा इस बात को कितना बड़ा मसला बना देंगे वो। तुम कहो तो डैडी से फोन करवा दूं तुम्हारे। नहीं करवाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैंने ही फोन करवाया। खदीजा अब वक्त को तो वापस फेरने से रही मैं। अम्मी आप बात को समझ नहीं रही हैं, मैं मसूद के मिजाज को समझती हूँ, ये बात उनके लिए बहुत बड़ी है। बात सुनो, अभी सिर्फ रिश्ता ही लेके गए हैं, लड़की को तो नहीं घर ले आए हम लोग। भाई गुगली का रिश्ता लेने गए थे, आपने फोन किया हम दोनों आ गए, वो मेरे लिए सही था। तो तुम थी तो बुला गया तुम्हें और तुम आ गई। यही तो रोना है, आप मसूद को इस घर के दामाद की तरह ट्रीट ही नहीं करती हैं। इस मामले में ना उनको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। दामाद ना होगा, सर का अजाब हो गए। मिसेज रहमानी को देखो, अपने दामाद का क्या हाल करती हैं। आप मिसेज रहमानी बन रही हैं? अरे तुम्हें मिसाल दे रही हूँ कि एक वो दामाद होते हैं, हमारे घर के दामाद है, हमने तो उनको सर पे रख के बिठाया हुआ है, तुमने भी बहुत सर चढ़ाया हुआ है। बस करो, ये लो रखो मेरे पानदान में, लो। ठीक है तो आप एक फोन कर देती। वाह भाई वाह, घर में 4-4 मर्दों के होते हुए मैं क्यों फोन कर देती? खदीजा बहुत ही शर्मिंदा हो रही है पता। तो अब क्या होगा, क्या मतलब माजरत करनी पड़ेगी? अब मैं माजरत करता हुआ अच्छा लगूंगा? क्या जरूरत है आपको माजरत करने की, वैसे ही उनका दिमाग खराब है और सर पे चढ़ जाएंगे, अक्का बात कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर आप अक्का को कह दें कि उनको बता दें कि हम भूल गए। अरे क्या हो गया, भूलने वाली बात तो कहनी भी नहीं है, कोई बहाना करना पड़ेगा, बुरी बात हो जाएगी। सही बात बता दी तो और मुसीबत हो जाएगी, अजीब नखरे वाला दामाद मिला भाई सर फिरा सा। अब आप सुनो, बहुओं से बिल्कुल भी तस्करा मत कीजिएगा, वरना वो और बातें बनाएंगी बैठ के। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे मैं हर बात जाके बहुओं से करता फिरता हूँ। अरे कुदरतुल्लाह आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को, मुझसे तो हिम्मत होगी नहीं किसी की बात पूछने की है, आपसे बातों बातों में बात भी निकलवा लेंगे और बात पूछ भी लेंगे। पता तो है कि सुसर सीधे साधे से हैं। हाँ ये तो है। अच्छा खुद ही से समझ लिया कि आप सीधे। खैर ये मत कहो, सीधा तो मैं हूँ चाहे तुम मानो या ना मानो। जी हाँ जलेबी की तरह। मैं ना मानू ना। भाई मसला क्या है? कैसा मसला डैडी? मसला पता नहीं है भी के नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मसला हो गया। अरे डैड हुआ क्या है? भाई वो तुम्हारे बहनोई नहीं है मसूद मियाँ, वो नाराज हो गए, कहने लगे कि अगर जफरी का रिश्ता तय हो रहा था तो मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। जो बताना क्या डैडी, भाई घर की 5 औरतें रिश्ता डालने के लिए गई हैं, अब इसमें बताने वाली भला कौन सी बात है? भाई कम से कम बता तो देना चाहिए था ना, और कुछ नहीं तो एक फोन कॉल ही कर सकते थे। हाँ वैसे वो क्या है कि कह तो सही रहे हैं डैडी। देखिए डैड अगर हम अपने घर में तकरीब करते और उनको इनवाइट नहीं किया होता तो नाराजगी बनती थी, ऐसे कैसे किसी भी बात पे एतराज। अरे छोड़ो इन बातों को,
अक्का मियाँ जरा तुम मसूद से बात कर लेना। मैं वो क्या है कि क्या बात करूंगा डैडी? भाई मेरा तो ख्याल है कि तुम साफ साफ कह दो कि हम भूल गए थे, लेकिन भाई तुम्हारी अम्मी कह रही हैं कि नहीं कोई बहाना बना लो, और तुमको पता है अक्का मियाँ कि मुझे ये बहानेबाजियाँ, ये झूठ मूठ बोलना मुझे कतई नहीं पसंद। अरे डैड, गुगली को बोले वो बात कर लेगा, क्योंकि अक्का भाई के बस का गेम है नहीं है। गुगली ऐसी गुगली मारेगा ना कि मसूद भाई समझ ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या उनके साथ। मज्जी भाई बड़े तेज हैं आप, मुझे आपने कितने लोगों को ये गोलियां फिट करते हुए देख लिए हैं, मुझे बसा रहे हैं आप। भाई बात सुनो, ये मजाक तुम लोग बाद में कर लेना। अरे अक्का मियाँ एक दो रोज में मसूद से बात कर लेना। जी ठीक है डैडी। हाँ तो दुल्हा भाई का मूड क्यों ऑफ हो गया? आप लोगों की वजह से। अगर एक फोन करके उन्हें बता देते कि हम लोग जफरी का रिश्ता तय कर लेंगे तो क्या हो जाता? या तो उनको हम लड़की वालों के यहाँ लेकर साथ जाते तो तब फोन करना बनता था। अब उनको फोन करके ये कहते कि जी हम लड़की वालों के यहाँ रिश्ता लेकर जा रहे हैं तो दुआ कीजिएगा प्लीज। हाँ तो यही कह देते तो क्या बुरा होता? खदीजा भाजी किस जमाने की बातें लेकर बैठ गई आप, क्या हो गया? चलो तो मैमूना के घर से आने के बाद फोन तो कर सकते थे ना कि भाई हाँ हम मुबारकबाद दे रहे हैं, हमने जफरी का रिश्ता तय कर लिया है। खदीजा बाजी ये एक अदद इंतहाई खवातीन वाला ये जुमला होता है, मैंने कभी किसी शख्स के मुंह से ये कहते हुए नहीं सुना कि जी मुबारक हो हम लड़के की बात पक्की कर आए हैं। अच्छा इसका मतलब ये है कि सारी की सारी गलती मेरी और अम्मी की है। अरे भाई आज अटेंडेंस कुछ कम लग रही है, गुगली अंदर तो नजर आया था, कहाँ गायब हो गया? डैडी वो जिसमें दर्द का कह रहा था। हाँ भाई आजकल मौसम भी बदल रहा है। अक्का भाई आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल है। हाँ पूछ पूछ, ऐसा भी कौन सा सवाल है जिसका मुझे जवाब नहीं पता? देखिए अगर आप गलती पे हैं और आप कुछ कह नहीं रहे, खामोश है, मेरी मतलब ये कि आप बहस नहीं कर रहे, तो आप क्या कहलाएंगे? अकलमंद, होशियार। और अगर आप गलती पर नहीं है और आप खामोश हैं फिर शौहर। भाई इस जवाब के लिए कॉमन सेंस से ज्यादा तजुर्बा बहुत जरूरी है। नहीं बेटा इसके लिए तजर्बे और जहानत से ज्यादा मोबाइल का होना जरूरी है। ये SMS आ चुका है मेरे पास भी। अच्छा तभी आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अरे यार उसका क्या हुआ? आप हाँ डैडी वो समझ ले हो गया। समझने से कुछ नहीं होता, ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं आज शाम को या कल सुबह तक? देखो भाई कर देना काम, ये ना हो कि मुझे बार बार पूछना पड़े। जी जी हाँ बात करूं मैं मसूद से, मेरा क्या लेना देना इस सबसे? ना मैंने रिश्ता कराया ना मैं लड़की वालों के घर गया। होना है कुछ नहीं, मामा खा की टेंशन डाली हुई है। नहीं तो ये मसूद भी ना अजीब आदमी है। अरे भाई नहीं बताया सो नहीं बताया, क्यों ड्रामा कर रहे हो? तुमने कौन सा अपने किसी खानदान की लड़की के साथ रिश्ता करवाना है? ज्यादती वाली बात है, अकेले दामाद के साथ ये नहीं होना चाहिए। लगाएं और आग लगाएं आप? आग लगाने वाली क्या बात है भाई, एक अकेले दामाद हैं, उनको कॉल करके बताना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी। मैं कहती हूँ कुदरतुल्ला बहुओं को बताने की आखिर जरूरत क्या थी? मैंने कब बताया है बहुओं को? नहीं बताया भाई। अरे तो उन्हें कैसे पता चला? इल्हाम हुआ उन्हें क्या?